हेलो गाइस, हम सब खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील कर रहे थे, थोड़ा आराम किए। इसके बाद फिर अभी मैं नहा धो रही हूँ, अब चलेंगे बाहर हम लोग थोड़ा जो मेरा काम है उसको करने के लिए। हाँ, मेरे पास 15 मिनट है, सपना दे रही है तो मैं जाने तैयार हूँ। तो गाइस, मैं पूरा रेडी हो गई हूँ। अपने बैग पकड़ ले, फिर हम लोग विवेक के साथ आ जाएंगे। तू कोचिंग चल देना। अभी पूरा रेडी हो गए हैं हम लोग, नीचे आ गए हैं, अब जाते हैं अपने काम पे। ये रही सपना। ये क्या है, ये क्या मस्ती मजाक है? फंस गया बाल। कैसे फंसवा लिए? तो चलिए अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। भाई लोग नीचे से आएंगे, तुम ही लोग के साथ जाएंगे देखने के लिए। मार्केट है सनिचरी मार्केट, यहाँ का ये सनिचरी मार्केट है। और इधर बहुत सारे फल की दुकान, बहुत सारे शॉप लगे हुए हैं। अब ये जो रोड है ये बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पे। हाँ, शाम को यहाँ की भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अभी 4 बजे देख ही सकते हैं कितना भीड़ है, पूरा ट्रैफिक जाम लगी हुई है। तो गाइस ये देखिए, ये है, ये इधर तो गांधी चौक पड़ गया है, आगे में है गांधी चौक। यहाँ की रोड भी मतलब उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, जर्जर अवस्था में है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी रहता है। यहाँ लोग भी काफ़ी हैं और थोड़े कंजेस्टेड है, रोड की वजह से ज़्यादा ही कंजेस्टेड है। तो ये देख सकते हैं। तो गाइस मैं अभी हम लोग अभी जा रहे हैं टीटीजा, टीटीजा कोचिंग सेंटर। आप सोचे होंगे मैं कोचिंग सेंटर क्यों जा रही हूँ, तो मैं मेनली उसी काम से यहाँ आई थी। तो चलिए चलते हैं। वो तो गाइस ये है यहाँ का गांधी चौक। यहाँ का गांधी चौक है और इतना ज़्यादा यहाँ पे रश है। बहुत प्यारा लोग दिया गया है राम कृष्ण हॉस्पिटल। तो गाइस ये है यहाँ का पंजाबी कॉलोनी। और कोचिंग सेंटर तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं, पता कर लें मेरी बहन के लिए कोचिंग सेंटर अच्छा है कि नहीं। तो अभी हम लोग 2-4 जगह और जाएंगे, तो चलिए फिर चलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं टीटीजा। ये खुला है कि बंद है पता नहीं, खुला तो है, चलो अंदर घुसते। आप लोग देख सकते हैं, तो फिर थोड़ी देर पहले आते थे ये रोड इतना क्राउडेड भी था, अभी इतना ज़्यादा रश हो गया है। आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक भी बड़ी गाड़ी अगर घुस गई तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाए। और वैसे किसी रास्ते में आगे चलते यहाँ बिलासपुर की चौपाटी है और यहाँ का मेन ड्राइव है। और यहाँ का जो छत्तीसगढ़ में जो फेमस नदी है अरपा नदी, वो मरीन ड्राइव के बगल में है। हालांकि पूरा सूख चुकी है पर फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसा पूरा जाम, तो वैसे है यहाँ का चौपाटी।
कि यहाँ अभी ज़्यादा मतलब थोड़ा भीड़ होने स्टार्ट हुआ है, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, शायद भीड़ में होता होगा, अभी तो इतना क्राउड नहीं है। और इसी के जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट बिहाइंड में, पीछे में है अर्पण नदी जो अभी पूरी तरीके से सूख गई है। ये है अर्पण नदी जो पूरी तरीके से सूख गया है। मेरा काम हो गया, मुझे देखना था, मतलब मैं यहाँ मेन मेरी छोटी वाली जो सिस्टर है उसके लिए कोचिंग सेंटर पता करने आई थी। तो कोचिंग सेंटर मैंने 3-4 जगह विजिट करी है और अब मेरी बहन को यहाँ भेजना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे को पता नहीं था कि मतलब क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी पता चल गया है। तो अभी नेक्स्ट मंथ मेरी सिस्टर को यहाँ भेजेंगे, डेमो क्लास अटेंड करेगी, इसके बाद उसको जो सूटेबल लगेगा वो वहाँ मतलब एडमिशन फिर उसका कराएंगे। और क्योंकि उसी को पढ़ना है, उसी को देखना है कि कहाँ पढ़ाई अच्छा होता है, तो उसी हिसाब से उसका एडमिशन कराएंगे। और अगर आप लोग यहाँ के हैं बिलासपुर के और आप लोग को मतलब अच्छे अच्छे जगह पते हैं, सजेशन आप लोग दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और कौन कौन से जगह हैं, जैसे कि मैंने टुटेजा, श्रीराम, पटेल और पटेल, दिल्ली IAS, कल्पवृक्ष, टुटेजा, ये सब मतलब विजिट किया है। तो अभी ये सब जाके डिस्कशन घर में करने के बाद मेरा भाई आएगा एडमिशन कराने के लिए। अभी कुछ घर में प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी वजह से वो पता नहीं कर पा रहा था, तो मैं आई थी, तो अभी हो गया है। और अब देखते हैं फिर कब मतलब जाना होगा, कब उसका कौन से प्लेस को सेलेक्ट करेगी और कहाँ उसके लिए सूटेबल होगा, उस हिसाब से उसका एडमिशन कराएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल आइकॉन है उसको इनेबल करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।